तो दोस्तों आशा है आप लोग सभी लोग कुशल मंगल होंगे। कोरोना के वजह से लॉकडाउन के वजह से बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, हम लोग भी झेल ही रहे हैं यार। तो मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूँ लोगो कैसे बनाए प्रोफेशनल, इस तरह से अगर आपको लोगो चाहिए तो किस तरह से बनाए। तो इस तरह के सीखने के लिए मेरा चैनल कुर्मी हिंदुस्तान टेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा नाम है और आप देख रहे हैं कुर्मी हिंदुस्तान टेक। तो इस तरह से लोगो प्रोफेशनल लोगो बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को पिकेसल ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, सभी तरह का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके लिंक से आप सभी तरह के एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बैकग्राउंड हम लोग को चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइल में जाके हम लोग नीचे गैलरी में जाके यहाँ पे एक ब्लैक कलर का प्रोफाइल ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कस्टम में जाके हम लोग इसको थंबनेल का साइट बना लेंगे, थंबनेल। तो यहाँ पे ओके करने के बाद और जो न्यू टेक्सचर है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे सबसे पहले। और यहाँ पे प्लस का आइकन है ऊपर जो दिखाई दे रहा है, प्लस का आइकन में वहाँ फ्रॉम गैलरी में जाके हम लोग, मैं इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ से हम लोग जाके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग ओके प्रेस करके इसको सबसे पहले अच्छा से बेहतरीन तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, छोटा करके इसको एडजस्ट कर देंगे। तो इसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ, हाँ ये एडजस्ट हो गया है, थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे। तो छोटा करने के बाद हम लोग यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा टेक्सचर। तो टेक्सचर कहाँ गया भाई, इधर टेक्सचर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रॉल करेंगे इसको, टेक्सचर कहाँ गया यार। तो टेक्सचर को ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले, कहाँ गया है टेक्सचर। हाँ टेक्सचर मिल गया है, नीचे स्क्रॉल करेंगे। हाँ ये टेक्सचर में हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद एक फ़ोटो लेंगे, इसको भी मैं लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसको गोल्डन कलर के यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट करने के बाद ओके कर देंगे। तो इस तरह से होगा, इसको इनेबल कर देंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। सबसे पहले इसको बढ़ा देंगे, बढ़ाने के बाद इसको बढ़ाने के बाद हम लोग यहाँ पर 3D शेप में जाएंगे। 3D शेप में इसको इनेबल कर देंगे और इसको बेहतरीन तरीके से कर देंगे और इसको स्क्रॉल करके देखेंगे, बड़ा घटा के देखेंगे कैसा होता है। उसके बाद बड़ा, हाँ ये सही है, सही है। इसके बाद हम लोग शेडो में जाना पड़, इसको इनेबल कर देंगे। शेडो में जाके इसको देखेंगे गोल्डन कलर का, मैं क्लिक करेंगे गोल्डन, हाँ मिल गया, इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करके इसको कम कर देंगे और इधर ओके करने के बाद हम लोग इम्बर्सर में जाएंगे और इसको 280 रखना पड़ेगा, 280 रखने बेहतरीन तरीके से। उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद और नेक्स्ट जाना पड़ेगा हम लोग को, टेक्स्ट में जाके फ्रॉम गैलरी में जाके नेक्स्ट और उसको सेम तरीके से चॉइस करना पड़ेगा। तो नहीं, सबसे पहले इसको हम लोग वो कर देंगे, लॉक लगा देंगे। तो ये इधर उधर नहीं हिलेगा लॉक लगाने की वजह से, तो लॉक लगा देंगे। उसके बाद प्लस आइकन में क्लिक करेंगे, सबसे पहले प्लस आइकन में और फ्रॉम गैलरी और सेम प्रोडक्ट का हम लोग चॉइस करेंगे। सेम प्रोडक्ट को चॉइस करके इसको प्लस क्लिक कर देंगे और इसको अच्छा से एडजस्ट कर देंगे। इसको छोटा करना पड़ेगा अच्छा से, ये किधर चला गया, इसको छोटा से एडजस्ट कर लेंगे। ये बड़ा ये एडजस्ट सब अच्छा तरीके से एडजस्ट कर देंगे, शायद मेरे ख्याल से एडजस्ट इस तरह से यार ये छोटा हो गया ज़्यादा, थोड़ा सा बड़ा कर दें। आप अच्छा से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं ऐसे बेहतरीन तरीके से नहीं बना रहा हूँ, सिंपल से बना रहा। तो इसमें टेक्स्ट में ये हो गया, तो हम लोग इसमें जाके टेक्सचर में जाके इसको क्लिक कर देंगे। तो ये रॉन्ग हो गया, रुके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, टेक्सचर में जाना पड़ेगा। एक्चुअली मैं प्लस आइकन से कर दिया था, तो टेक्सचर किधर गया यार, टेक्सचर में जाना पड़ेगा। तो हम लोग को टेक्सचर में जाना पड़ेगा, टेक्सचर मिल गया है। टेक्सचर में जाके वही सेम गोल्डन पेपर का लगाएंगे, गोल्डन वाला, इसको क्लिक कर देंगे, एडजस्ट करके क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा, तो इसको हम लोग इनेबल कर देंगे, इनेबल कर देंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद हम लोग को 3D शेप कहा गया, हाँ 3D में जाएंगे, 3D में जाके इनेबल कर देंगे और इसको ठीक मीडियम से देखेंगे कितना एडजस्ट है। और नीचे वाला भी अच्छा से नहीं हुआ साइन, इसको हम लोग बड़ा कर देंगे थोड़ा, ये भी छोटा है थोड़ा एडजस्ट कर देंगे, मेरे ख्याल से अच्छा लुक नहीं दे रहा। तो इस तरह से इसको बड़ा कर देंगे, हाँ ये शेप सही है, इसको बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद इसको हम लोग अभी 3D इसको शेडो वगैरह देंगे, इसको भी इनेबल कर देते हैं।
ये इनेबल हो गया है, तो इनेबल करने के बाद हम लोग इसको ट्रेडी, ये इसका ऑप्शन नहीं चाहिए हम लोग को, हम लोग को चाहिए अभी इसको, हाँ इसको हम लोग क्लिक कर देंगे लाइक गोल्डन कलर में देंगे, गोल्डन कलर, हाँ गोल्डन कलर का शेप में देंगे, गोल्डन कलर इसको बेहतर तरीके से इम्बर्सन में जाएंगे, इसको इनेबल कर देंगे। इसको भी 280 मैक्सिमम रखना पड़ेगा, 282 ये सही है, 280 रखना चाहिए एक्चुअली। तो इसको बड़ा घटा करके देखेंगे, तो ओके करने के बाद ये हो गया, इसको भी हम लोग लॉक करना पड़ेगा ये, तो हम लोग इसको क्लिक करके देखेंगे ये बेहतरीन तरीका से, ये नहीं ये, हाँ ये बेहतरीन तरीका लग रहा है या नहीं देख लेंगे, अगर अच्छा लग रहा है तो रखेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे, तो इसको इनेबल नहीं करेंगे, डिसेबल ही रख देंगे। तो इसके लिए हम लोग इसको देखेंगे, ये अच्छा नहीं यार, जैसा था वैसे कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको सबसे पहले लॉक लगाना पड़ेगा, ये हो गया हम लोग का, इसको ओके कर देंगे सर, ये हो गया हम लोग का जीरो। इसके बाद हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लॉक लगा देंगे इसको कॉर्नर में प्रेस करके, इसको लॉक लगा देंगे। लॉक लगाने के बाद मैं आपको और दे देंगे, यहाँ से प्लस में आइकन में प्रेस करके लिंक में दे दूंगा, वो आप एक ही साथ मिल जाएगा। इसको हम लोग ये विंस वाला इसको अच्छा से एडजस्ट करना पड़ेगा, विंस को हम लोग अच्छा से एडजस्ट कर देंगे, आप अच्छा से एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं अच्छा से एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो अच्छा से एडजस्ट कर लीजिएगा, तो मैं इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप सबसे पहले ये विंग्स को अच्छा से एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं ऐसे बेहतरीन तरीके से एडजस्ट कर लिया, तो एडजस्ट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ टेक्सचर में जाके, टेक्सचर में जाके हम लोग इसको क्लिक करके वो जो गोल्डन पेपर था इसको गोल्डन पेपर में हम लोग क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देंगे और बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन कर देंगे। तो ये हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे, इस तरह से किस तरह से दिखाई दे रहा, आप इसको घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हाँ यहाँ पे इसको देखेंगे, इनेबल करके देखेंगे कैसा लग रहा है, हाँ ये सही है। तो उसके बाद हम लोग 3D में जाएंगे, 3D किधर गया, 3D में जाएंगे, 3D में क्लिक करके देखेंगे, इनेबल करके इसको बड़ा घटा करके देखेंगे, इसको ऐसे एडजस्ट करके नीचे स्क्रॉल करेंगे, मेरे ख्याल से ऐसे में बेहतरीन तरीके से होगा। तो नीचे इसको बड़ा घटा करके देखेंगे, नहीं ये बेटर नहीं है, तो इसका हम लोग प्लस राइट में क्लिक कर देंगे, इसको ये हो गया है, राइट क्लिक कर देंगे, तो इसको हम लोग राइट क्लिक कर देते हैं सबसे पहले, ये सब अच्छा से, हाँ ये अच्छा हो गया, मिल गया, अच्छा से मिलाने के बाद हम लोग इसको राइट क्लिक करके हम लोग नीचे शेडो में जाएंगे, शेडो में इनेबल कर देंगे, इनेबल करने के बाद सेम गोल्डन वाला में जाएंगे, गोल्डन में ये नहीं दूसरा वाला, गोल्डन में बेटर रहेगा। तो इसको शेडो हम लोग इस तरह से क्लिक कर देंगे, देखिए उसके बाद हम लोग इम्बर्सन में जाएंगे और इसको इनेबल कर देंगे, इसको 280 में रखेंगे, इसको हम लोग 280 में रखेंगे या 340, जितना में अच्छा लगे उतना में इसको ब्राइट कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद ये बेहतरीन तरीके से हो गया, तो इसको हम लोग प्लस कर दें राइट क्लिक करके, ये इनर शेडो से इसमें क्लिक करेंगे, 3D में देखेंगे, ये बेहतरीन तरीके से हो गया। तो हम लोग इसको भी लॉक लगा देंगे, लॉक लगाने के बाद हम लोग जाएंगे सबसे पहले टेक्स्ट में जाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ टेक्स्ट में जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, के लिख देता हूँ, के लिखने के बाद डन में जाके इसको साइज में जाके इसको साइज को बड़ा कर देता हूँ, ठीक मीडियम से, आप देख लीजिएगा आपके कितना साइज है, उस तरीके से आप भी कर लीजिएगा, अगर साइज जिस तरीके से मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ इसको छोटा करके थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो मेरे ये वाला हो गया है, फिलहाल हो गया है। तो इसको हम लोग जाएंगे सबसे पहले जब फ्रंट में जाना पड़ेगा, ये भी फ्रंट, तो यहाँ पे जाके हम लोग इसमें डे में क्लिक करना पड़ेगा, डेस में क्लिक करने के बाद इसको अच्छा से हो गया। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके नीचे टेक्सचर में चला जाऊँगा, टेक्सचर किधर गया, हाँ टेक्सचर में क्लिक करके वही विंडो ब्लैक वाला पेपर लगा, ब्लैक वाला बोल रहा हूँ, वही वाला गोल्डन वाला पेपर लगा लूँगा,
गोल्डन वाला पेपर लगाने के बाद ये इस तरह से हो गया, इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद देखेंगे कि इस तरह से अच्छा लग रहा उस तरह से इसको तो इस तरह से हो गया। इसको अच्छा से हम लोग एडजस्ट कर देंगे। एक्चुअली मेरा एडजस्ट क्या हुआ, आप अच्छा से एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसको डेमो ही सिर्फ बना रहा हूँ, तो आप अच्छा से बना लीजिएगा नहीं तो बेहतरीन तरीके से लोगों नहीं होगा। तो ये हो गया, हम लोग इसको शेडो वगैरह में क्लिक करके इसको अच्छा से परफॉर्मेंस दे देंगे किस तरह से अच्छा लगेगा। तो ये एडजस्ट नहीं हो रहा, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद शेडो वगैरह में जाएंगे, किधर गया 3D शेडोस, किधर गया भाई 3D वगैरह। तो ये हो गया है, हम लोग को जाना पड़ेगा सेट और हाँ ये इम्प्रेशन में जाके इसको इनेबल करके 280 में रखेंगे। आप भी कितना में अच्छा लगे उतना में रखें और इसको 3D में क्लिक करके इसको 3D टाइप का शेप दे देंगे। बड़ा घटा सकते हैं आप, किस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से इसको क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये नहीं चाहिए हम लोग को, इसको हम लोग रखेंगे, इसको जाके हम लोग गोल्डन वाला गोल्डन में रख देंगे। इसके बाद बड़ा घटा सकते हैं, इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद न्यू टेक्स, ये हम लोग को कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, इसको लॉक लगा देंगे। लॉक लगाने के बाद हम लोग दूसरा वाला में जाएंगे, टेक्स में जाएंगे, टेक्स में लिखेंगे हिंदुस्तानी टेक। तो चलिए टेक्स में चलते हैं, इसको सब डिलीट करके हिंदुस्तानी, यार क्या हो गया ये, हिंदुस्तान टेक इसको डन कर देंगे, ओके कर देंगे। इसको नीचे स्क्रॉल कर देंगे, साइज में इसको बड़ा घटा कर देंगे साइज और लगा देंगे नीचे, ये नीचे। तो हम लोग को ये बड़ा घटा कर देंगे, बड़ा घटा करके इसको ठीक मीडियम में रखेंगे। अगर अच्छा से रखेंगे तब ये बेटर लगेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको अगर ऐसे लोगो बनाने के लिए, डिजाइनिस लोगो बनाने के लिए चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं इस तरह से आपको कंप्यूटर का नॉलेज या दूसरा भी नॉलेज मैं आपको देते रहता हूँ। तो डेस में क्लिक कर देंगे, डेस में क्लिक करने के बाद इसको अच्छा से, हाँ ये हो गया। हम इसको टेक्सचर में जाके वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, टेक्सचर के हाँ टेक्सचर में जाके वही वाला गोल्डन पेपर लगा देंगे। गोल्डन वाला पेपर लगा के इसको राइट क्लिक कर देंगे तो इस तरह से नज़र दिखा देगा और हम लोग इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद हम लोग इसको शेडो वगैरह देना पड़ेगा, तो शेडो में क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे और सेम थिंग्स वही वाला गोल्डन वाला पेपर्स में हम लोग गोल्डन वाला क्लास में जाके इसको देखेंगे, बड़ा घटा करके देखेंगे, अच्छा लगता रखेंगे नहीं तो नहीं रखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा लगेगा, तो इसको राइट क्लिक कर ये हो गया, बड़ा घटा करके देखेंगे साइज वगैरह। तो हम लोग 3D शेप में जाएंगे, 3D शेप में इसको देखेंगे, 3D शेप अगर अच्छा लग रहा, मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा, तो बेहतरीन तरीके से हम लोग इसमें यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे इसको भी इनेबल कर देंगे। उसके बाद सेम वही वाला गोल्डन वाला कलर में जाएंगे और इसमें क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके हम लोग इसको बड़ा घटा सकते हैं। बड़ा घटाने के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा बेहतरीन तरीका से यूज़ हो रहा है, उसी को हम लोग रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद 3D शेप में क्लिक करता हूँ, इसको इनेबल कर देता हूँ और नीचे को इसको बढ़ा देता हूँ। अगर अच्छा लग रहा तो रखेंगे, इस तरीके में अच्छा लग रहा है। तो हम लोग इसको हो गया, तो मेरे ख्याल से ये कम्प्लीट ही हो गया बेहतरीन तरीके से। इसको भी इनेबल कर देंगे 280 समथिंग, आप बड़ा घटा करके देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो रखिए नहीं तो छोड़िए। तो इस तरह से हमारा चैनल को कुर्मी हिंदुस्तानी टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपको इस तरह से बेहतरीन तरीके से आपको मैं लोगो डिजाइन करने वाला है, नया नया तरीका आपको इसी चैनल में लेके आते रहता हूँ। तो इसको हम लोग लॉक कर देंगे, ये ऑलरेडी हो गया। आपको ये सेव करना है तो सेव प्रोजेक्ट में सेव क्लिक कीजिए। आपको बैकग्राउंड चाहिए तो बैकग्राउंड भी क्लिक कीजिए, नहीं चाहिए तो आप तो विदाउट बैकग्राउंड का भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं वो भी देखा था, ट्रांसपेरेंट इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। तो हमारे चैनल ऐसे कुर्मी हिंदुस्तानी ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कुर्मी हिंदुस्तानी टेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस तरह से आपको बेहतरीन तरीके का आपको नॉलेज मिलते रहेगा। इसी तरीका से लोगो आपको प्रोफेशनल लोगो बन गया, तो इसी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कुर्मी हिंदुस्तानी टेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा। ऐसे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कुर्मी हिंदुस्तानी टेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।